नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। वाराणसी में नामांकन के दौरान जाते समय सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर हमला भाजपा का असली चेहरा है। राजभर पिछले वंचितों को राजनीति के जरिए उनका हक हुकूक दिलाने के लिए संघर्षरत ओम प्रकाश राजभर का प्रयास भाजपा को रास नहीं आ रही है, इसलिए अधिवक्ताओं के भेष में भाजपा ने लोगों को खड़ा कर हमला कराया। जाना कायराना हरकत है। राजनीति के अखाड़े में भाजपा जब ओम प्रकाश राजभर के विचारों के आगे टिक नहीं पाई तो निम्न दर्जे की हरकत पर उतारू हो गई। ऐसी हरकत का जवाब प्रदेश की जनता वोटों के माध्यम से भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी। ये बातें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सुभाषपा और सपा के मजबूत गठबंधन से भाजपा बौखला गई है। कल तक विचारधारा की बात करने वाली भाजपा असल में आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और इसी को बरकरार रखने और सत्ता सुख के लिए बसपा प्रमुख जो आज वर्तमान राजनीति की नर्तकी सरीके बन चुकी हैं, उन्हें भाजपा गोद में बिठाकर राजनीति की रासलीला रचा रही है। की बात करने वाले, पूर्वांचल के तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखने वाले वो पहले नेता हैं और उनको सिर्फ राजभर का नेता माना जा या एक क्षेत्र का नेता माना जा ये भी गलत है। बीजेपी के लोग यह साबित करना चाहते हैं। आजमगढ़ में विश्वविद्यालयों को लेके मैं इस बात का गवाह हूँ। कल की घटना में भी मैं गवाह था, मैं साथ में था। विश्वविद्यालयों को लेके वर्तमान में भाजपा की सरकार में मिनिस्टर थे, मांग चल रही थी, कई दशक पुरानी मांग थी विश्वविद्यालय की, उसमें आके समर्थन दिया ओम प्रकाश जी ने। विधानसभा में यह बात उठाई, खैर वो मांग पूरी भी हुई, लेकिन जो जिससे लाभ हो सकता था हमारे जनपद का, मुख्यालय का या मऊ के लोगों का, अब इनका जो भी रहा हो उद्देश्य ले जाके ऐसी जगह उसकी शुरुआत करा रहे हैं जिसका कोई दूर दूर तक लाभ नहीं पाएगा। सरकार में आने पे पहली प्राथमिकता होगी कि विश्वविद्यालय मोहब्बतपुर में स्थापित कराया जाए। इन्होंने विश्वविद्यालय का नाम सुहेलदेव करके रखा है, अच्छी बात है। सुहेलदेव जी के नाम नहीं, जब करोड़ों रुपया प्रशासन ने लोगों को दिया, सर्वे तमाम कंपनियों ने आके किया, उसके पूर्व डीएम साहब ने उसको निर्धारित किया कि विश्वविद्यालय वहाँ बनेगा, या तो उस डीएम साहब को हम लोग मान लें कि वो बेवकूफ़ थे, या उसके बाद वाले डीएम साहब को मान लिया जाए कि वो बहुत समझदार थे। लेकिन बीजेपी को बताना पड़ेगा ना कि जनपद में वो डीएम साहब कौन सही थे जिन्होंने बताया कि लो लैंड है। अगर लो लैंड थी तो नक्शा में यहाँ से लखनऊ तक तमाम विभाग के लोगों ने जाँच किया, एक बार नहीं 11 बार टीम आई है जिले में। अब क्या उद्देश्य था बीजेपी के लोगों का कि उनकी अपनी वहाँ जमीन थी या उसको बेचना चाह रहे थे या व्यापार किए विश्वविद्यालय के नाम पे हमारे जनपद में, सरकार के पैसे को लूटा उन्होंने, अब जो भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें है झोल। और इस बात का वादा करते हैं कि हमारी अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो 100% वो विश्वविद्यालय मोहब्बतपुर में बनाया जाएगा। कल वाराणसी में नामांकन के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पे भाजपा के इशारे पे कुछ अधिवक्ता के रूप में कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया, उसी संबंध में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और उस घटना की निंदा करते हैं। और आपके माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि विशेष सुरक्षा दिया जाए, और उनके लड़के हमारे पार्टी के नेता भी हैं राष्ट्रीय स्तर के, अरविंद राजभर जी, वह प्रत्याशी हैं वहाँ शिवपुर। हमें डर है कि मोदी जी का वह लोकसभा है, पुनः ऐसी घटना हो सकती है, और मांग करते हैं कि विशेष सुरक्षा दिया जाए। और उतना ही नहीं, हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं सबको कहीं ना कहीं अपनी एक साजिश के तहत हमला करा सकते हैं, उनको रोका जा सकता है, उनके साथ हरकत की जा सकती है। तो विशेष सुरक्षा LIU के माध्यम से पता कर लें लोग कि हकीकत क्या है, चाहे चुनाव आयोग में हम लोग आज शिकायत भी किए हैं इस बात की। तो यह हम लोग चाह रहे हैं कि वो विशेष सुरक्षा दिया जाए। और बीजेपी हमारे गठबंधन से घबरा चुकी है, प्रदेश की स्थिति को भांप चुकी है, बीजेपी घबरा चुकी है। प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सहयोग से, इस बात का आभास हो चुका है बीजेपी के लोगों को। तो इस तरह की हरकत का यही कहीं ना कहीं साबित करता है कि उन लोगों को एहसास हो गया कि हम जा रहे हैं सरकार से। दूसरी बात की गठबंधन, जब हम इनके साथ थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे,
आज इनको लगता है कि हम इनके विपक्षी हैं। यह दल है, चुनाव सभी लोग लड़ रहे हैं, अपने अपने मुद्दे पर लड़ रहे हैं, किसी के साथ इस तरह की हरकत किया जाए यह गलत बात है। सुभाषपा सिद्धांतों की राजनीति करती है, मुद्दे की राजनीति करती है, विकास की बात करती है, इसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी बसपा मुखिया को जैसे एक नर्तकी की तरह नचा रहे हैं लोग, वही ओम प्रकाश जी के साथ भी करना चाह रहे थे। ओम प्रकाश जी इस प्रदेश के उभरते हुए एक ऐसे नाम हैं जो पिछड़ा ही नहीं, दलित ही नहीं, हर वह अभागा महसूस करने वाला व्यक्ति उनको अपना नेता मानता है, चाहे किसी भी समाज का हो।